मुझे लगता है मैंने सुना था किसी गांव में आग लगी, सभी भाग गए और दो जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा भाग तो सकता था पर उसे आग दिखती नहीं थी, लंगड़े को आग दिखती थी वह भाग नहीं सकता था। लंगड़े ने अंधे से कहा कि तुम हमें अपने कंधे पर बिठा लो, आंख हमारी पांव तुम्हारे, दोनों आग से बच जाएंगे। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठा लिया, दोनों बच गए। यह कहानी बड़ा सार्थक संदेश देती है। आज भी चारों तरफ आग लगी है ईर्ष्या की, अशांति की, और अगर समाज बचना चाहे तो एक ही उपाय है, अंधा लंगड़े को कंधे पर बिठा ले। अंधा कौन और लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अगर आज अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, चरण हो युवक के और अनुभव की आंख हो वृद्ध की, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है। और अगर वृद्ध का सम्मान नहीं हुआ तो सोने की लंका नहीं बची, फिर कौन बचेगा? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।